देखिए आपके सामने कुछ सवाल दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को इस सवाल को कैसे 2 या 3 सेकंड में उधेड़ सकते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में देखते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं पहला सवाल तो लिखा वो सबसे छोटा भिन्न क्या है, तो देखते के साथ आप आंसर लगा सकते हैं कि सबसे छोटा भिन्न जो होगा 5/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तो देखते के साथ आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं कि ये 87/89 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो सबसे छोटा भिन्न का जो आंसर होगा ये क्या होगा, 87/80 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा यहाँ पर भी कि सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 21/25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, तो सबसे बड़ा भिन्न निकालने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न होगा 87/84। लेकिन 6 नंबर सवाल को डायरेक्ट आप देखते के साथ नहीं बना सकते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी इस चीज़ को इतना फास्ट में इतना जल्दी बनाने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो जितने भी लोग इस वीडियो से जुड़े हैं, आप इस वीडियो में कूद ही गए हैं, तो 10 से 15 से 20 मिनट आप टाइम दे दीजिए। फ्रैक्शन का हर सवाल आपको क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हर वैरायटी का सवाल लेने वाले हैं इस प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, पहले इसका निचोड़ थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद सवाल पे आप आएंगे। तो पहले इसको कंसेप्ट समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला कंडीशन अगर आपसे लिखा हुआ है 12/13, यहाँ पर लिखा हुआ 15/16, यहाँ पर लिखा हुआ 17/18 और यहाँ पर लिखा हुआ 18/19, तो इस तरह का सवाल अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक कहानी आपको क्या बनेगा। सवाल को बनाने के लिए हम लोग अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं, ऊपर 12 नीचे 13, अंश और हर का डिफरेंस एक आएगा। यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस एक आ रहा है, यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस एक आ रहा है, यहाँ भी अंश और हर का डिफरेंस एक आ। और अगर अंश और हर का डिफरेंस अगर समान हो जाए तो ऊपर में जो वैल्यू छोटा होगा वही छोटा भिन्न हो जाएगा और ऊपर में जो वैल्यू बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश और हर का जो डिफरेंस है वो हर जगह समान है, तो यहाँ पर छोटा भिन्न लाना है। तो देखिए कि ऊपर में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो 12, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 12/13। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम तब तक पॉसिबल है जैसे भिन्न हम किसको बोलेंगे, 1/22 को भिन्न बोलेंगे, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला वैल्यू को हम लोग बोलते हैं हर। तो ये कंडीशन तब तक फॉलो होगा जब अंश क्या होना चाहिए, हर से क्या होना चाहिए, छोटू होना चाहिए और हर जो है ये क्या होना चाहिए, बड़ा। ऐसा नहीं कि सवाल आधा अधूरा सीखिए और बाद में आप क्या कर दिए, गलत नहीं, सवाल को पूरा हर तरह से आप चीज़ों को समझिए ताकि सवाल जैसे आए ऐसे आप सवाल को उधेड़ दीजिएगा। आप बोलिए यहाँ पर देखिए सब में हर जो है अंश जो है हर से क्या है, छोटा है, तो इस स्थिति में अगर सब जगह अंश और हर का डिफरेंस समान है तो जो वैल्यू ऊपर में छोटा वही आपका क्या हो जाएगा, छोटा। ये इसका क्या हुआ, थ्योरिक हुआ, कंसेप्ट हुआ। जैसे कि आप पहला सवाल में आप भी अब देखते के साथ आंसर लगा सकते हैं, देखिए अंश और हर का डिफरेंस यहाँ भी एक बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा, यहाँ भी डिफरेंस एक बन रहा और यहाँ भी डिफरेंस एक बन रहा, सबसे छोटू भिन्न निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए ऊपर में सबसे छोटा भिन्न कौन है, छोटा कौन है, 5, 6, 7, 9 में सबसे छोटा कौन है, 5, तो सबसे छोटा भिन्न 5/ क्या हो जाएगा, 6। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे बड़ा भिन्न निकालना है, डिफरेंसेज आप देखिए तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 75, 2, 77, यहाँ भी 81, 2, 83, हर जगह डिफरेंस समान है। सबसे बड़ा भिन्न पूछा है तो ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये 83, 87, 75, 81 में सबसे बड़ा कौन होगा, 87, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी डिफरेंस 3 का है, यहाँ भी डिफरेंस कितना का, 3 का, यहाँ भी डिफरेंस 3 का और यहाँ भी डिफरेंस कितना, 3 का। सबसे छोटू भिन्न पूछ रहा है तो ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 87, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ भी डिफरेंस है 4 बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंस है 4 बन रहा है, यहाँ भी डिफरेंस है 4 बन रहा है, यहाँ भी, तो आप तो इस सवाल को देखते के साथ आप बना सकते हैं। आप बताइए कमेंट में करके कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। हालांकि मैं बताया तो छोटू भी निकालना है तो सबसे छोटा ऊपर में कौन वैल्यू, 21 सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भिन्न जो होगा 21/25 होगा।
लेकिन इतना ही आपको सीख के नहीं जाना है। अगर डिफरेंस समान रहा तब ना ऐसे करेंगे, अगर डिफरेंस समान समान ऐसे रहेगा नहीं रहेगा तब, तो आप इस वीडियो में अगर शुरू से अंत तक रह जाएगा तब समझ में आ जाएगा सब। आइए थोड़ा सा इसमें भी चेंजिंग आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अगर सवाल में ऐसे दे दिया जाए 13/12 दे दिया जाए, उसके बाद दे दिया जाए 15/14 आपको दे दिया जाए, इसके बाद 19/ क्या दे दिया जाए 18 दे दिया जाए, और यहाँ पर 21/ क्या दे दिया जाए 20 दे दिया जाए, तो इस सवाल का जो उत्तर क्या होगा? अगर इसमें बोलेगा सबसे छोटा भी निकालिए तब क्या होगा? तो आप अगर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंस एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, यहाँ भी डिफरेंस एक है, और यहाँ भी डिफरेंस एक है। हर जगह डिफरेंस समान तो है, लेकिन यहाँ का जो कहानी है ये अंश जो देख रहे हैं हर से बड़ा है, अंश जो देख रहे हैं हर से बड़ा है, अंश जो देख रहे हैं हर से बड़ा है। तो इस तरह का जो सवाल है उसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अंश बड़ा रहेगा हर से और डिफरेंस समान है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो सबसे छोटा भिन्न होगा, जो ऊपर में सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाने लगेगा, सबसे बड़ा भिन्न कहलाने लगेगा, और जो ऊपर में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाने लगेगा। ये कंसेप्ट है। यानी ये कब ऐसा होगा, जब अंश हर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए और डिफरेंस समान रहे। तो ये आपका कहानी हुआ, दोनों कंसेप्ट को आप अच्छे समझें। इस पे एक सवाल बेस्ड है, देखिए अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, सब जगह बड़ा है। देखिएगा डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस बन रहा, यहाँ भी कितना का बन रहा है, 3 का डिफरेंस बन रहा है, 84, 3, 87। यहाँ भी 3 का डिफरेंस बन रहा और यहाँ भी आपको 3 का डिफरेंस बन रहा, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जो सबसे ऊपर में छोटा होगा वही सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 87, तो ये सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लेकिन ये कब तक करें, जब डिफरेंस समान होगा तब, और अगर डिफरेंस समान नहीं होगा तो आपको इस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि मेन चीज वही, अगर जब डिफरेंस समान नहीं रहेगा तो कैसे सवाल को बनाएंगे। आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। आइए इस चीज को नोट करिए, मैं 6 को ऊपर लिख देता हूँ इरेज करके। 6 देखिए, इस तरह का सवाल में हम लोग किस प्रकार से सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो डिफरेंस हर जगह समान नहीं है। यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए तो डिफरेंस कितना का बनेगा, 4 का। यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो 89, 3, 92, 3 का डिफरेंस बनेगा। यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस कितना का बनेगा, 6 का। और यहाँ पर देखिए तो 85, 12, 87, 12 का डिफरेंस बनेगा। तो अब सवाल को यहाँ पर बनाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है डायरेक्ट सवाल को देखकर। यहाँ पर आपको 2 से 3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके सवाल आपको बनेगा। क्योंकि अगर आप भागा देकर भी देखिए तो भागा देना भी बहुत टफ होगा। लेकिन हमें कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं जिसको हम भागा देकर बनाए, हर फ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट है जिसको बिना भागा दिए ही हम लोग सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग उसको डिफरेंस क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं, समान कर देते हैं। डिफरेंस समान करने के लिए जो यहाँ पर डिफरेंसेज आया है उन सभी नंबर को क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। सभी नंबर को क्या ले लीजिए, एलसीएम। यानी कि ये 4, 3, 6, 12 का क्या लीजिएगा, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। अगर डिफरेंस समान है तो सवाल को तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस समान नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस जो समान नहीं है तो उसको समान करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस 4 है, यहाँ पर डिफरेंस 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर डिफरेंस 12 है। 4, 3, 6, 12 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब सभी का डिफरेंस 12 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 12 बनाने के लिए 4 में किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 4 में 3 से गुना किया तो ऊपर वाला नंबर में भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और नीचे में भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि क्या रहेगा, सवाल बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर 3 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए ऊपर में कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से। नीचे भी 3 से आप गुना कर सकते हैं, हालांकि नीचे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नीचे गुना करने से कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे गुना कर भी सकते हैं, नहीं भी करिए तो आपको आंसर में किसी प्रकार के इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो हम लोग टाइम बेहद क्यों हम लोग बर्बाद करेंगे, नीचे में गुना नहीं करेंगे। बोली इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना करेगा, 4 से। तो ऊपर वाला भी नंबर में किससे, 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर वाला नंबर में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से।
इसको ये तो ऑलरेडी 12 है, तो एक से गुना करिए इसमें, तो ऊपर भी आप एक से गुना कर सकते हैं आपके सेटिस्फाइड करने के लिए। अब बताइए, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे छोटू भिन्न क्या है, तो सबसे छोटा भिन्न आप कैसे निकाल पाइएगा, अब सबका तो डिफरेंस समान हो गया, तो सबसे छोटा भिन्न निकालने के लिए क्या होगा, अगर 57 में 3 से गुना करें तो 57 की 271 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 89 में गुना करें तो 9 चौके 36 360, यानी कहने का मतलब 300 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 53 में 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 106 होगा, और अगर 75 में 1 से गुना करें तो कितना होगा, 75 होगा। तो आप बताइए इसमें सबसे छोटू भिन्न क्या होगा, तो जो ऊपर वाला वैल्यू छोटा होगा वही भिन्न आपको क्या हो जाएगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए, जो डिफरेंस उसको क्या किए, समान कर दें। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, कोई जरूरी नहीं कि आप चीज़ों को इतना गुना करिए, आप डायरेक्ट 57 में 3 से नहीं भी गुना कर सकते थे, क्योंकि आप देखिए 57 में 3 से गुना करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, 89 में 4 से भी करें तो बड़ा आएगा, 53 में 2 से भी करें तो बड़ा आएगा, लेकिन ये सिर्फ 75 है, तो सबसे छोटा भिन्न तो यही होगा ना, 75/87। आइए एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार से, अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए तो कितना का बनेगा, 6 का बनेगा, यहाँ पर डिफरेंस 6 का बनेगा, यहाँ 3 का डिफरेंस बनेगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना का बनेगा, 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितना का बनेगा, 12 का। हम क्या बताएं, जो डिफरेंस है उन सभी को क्या ले लीजिए, एलसीएम, 6, 3, 4, 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12, यानी कि सभी का जो अंतर है हमें 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी कितना से, 2 से, इसको 12 बनाने के लिए कितना से, तो 4 से, तो ऊपर वाला नंबर में कितना से, 4 से, इसको 12 बनाने के लिए कितना से, 3 से, तो ऊपर वाला भी नंबर में कितना से, 3 से, इसको 12 बनाने के लिए तो ऑलरेडी 12 है, तो ऊपर 1 से। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, आप देखते के साथ बना सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न जो होगा ये 51/ क्या होगा, 57, क्योंकि 51 दूनी कितना, 102 है, इसको देखे तो 23 दिया कितना, 69 है, और इसको देखे तो 31 दिया कितना, 93, और ये 89, 1 कम 89, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो ऊपर वाला में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 102 है, इसीलिए सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 51/57। तो इस तरह का सवाल को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़िएगा तो एक ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिलेगा जिसका डिफरेंस समान करना बहुत टफ होगा, और डिफरेंस से समान नहीं रहे तो डिफरेंस समान से बनाना ही पॉसिबल नहीं, तो इस तरह के सवाल को भी आप लोग कैसे बना सकते हैं, जल्दी आइए समझाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले वीडियो में उस तरह के सवाल को समझा रहे हैं। देखिए आपके सामने सवाल कुछ इस तरह से है, नंबर्स आपको खेलने आना चाहिए, नंबर्स इतना खेलिए कि किसी भी तरह के नंबर को देखते के साथ आप बैकग्राउंड उसका पता कर सकते हैं। तो आप लोग नंबर से खेलने के बजाय किसी लड़की के दिल से खेलते हैं, ये गलत बात है, किसी के दिल से नहीं खेलिए, अभी पढ़ने का उम्र है, पढ़िए, कोई काम देने वाले आगे नहीं है, आगे सब आपको ये नहीं पूछेगा कि आप क्या करते थे नहीं करते थे, आपसे आगे आने वाला समय में आपसे ये पूछेगा कि आपके पास क्या है, अभी क्या कितना पैसा कमाते हैं, कितना धन है, कितना दौलत है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी किसी से प्यार नहीं करता है, माता पिता के प्यार को छोड़ाकर और कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता, ये बात परम सत्य है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, दुनिया क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, बस अपना लक्ष्य को प्राप्त करिए, और किसी भी तरह से आपको गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, लड़की के पीछे नहीं भागिए, क्योंकि भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, लड़की भी जब तक आपके पॉकेट में पैसा है तभी तक आपको पीछे जाएगी और पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपको छोड़ देगी, तो इसलिए लड़की के पीछे बिल्कुल नहीं भागिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर आप क्या करिए ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर नंबर का ज्ञान कैसे रखते हैं, अगर इस सवाल को बनाने का प्रयास अगर आप करिएगा तो डिफरेंस भी देखिए सबका अलग अलग है, और डिफरेंस समान करना भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दायक हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आप कैसे बनाइएगा वो चीज़ों को देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 4/5 और यहाँ पर लिखा हुआ 9/13, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैंचा कैंची गुना से आप चीज़ों को आप कर सकते हैं बड़ा छोटा, कैंचा कैंची गुना करेगा तो 4 से गुना करें 13 में, तो 13 चक्कों कितना हो जाएगा 52, यानी कि देखिए जिसके माथा से गुना करेगा उसी के माथा के ऊपर आप लिखिएगा, तो कैंचा कैंची गुना करें तो कितना हो जाएगा 13 चक्कों 52, और इसको कैंचा कैंची इधर कर दिया तो 9/5 कितना हो जाएगा 45। ध्यान इस बात को रखें कि ऐसा नहीं कि 9/45 नीचे लिख दीजिए, गलत हो जाएगा, जिसके माथा से गुणा करेगा उसी के माथा का क्या कीजिएगा ऊपर लिखिएगा, तो ये आपका 45 आ गया और ये आपको क्या आ गया 52,
तो ऊपर में जो छोटा आएगा गुना करके वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, और ऊपर में जो बड़ा आएगा गुना करके वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। तो बताइए 52 छोटा है कि बड़ा, तो ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन जो है आपको क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ये देखिए 45 छोटा फ्रैक्शन है, छोटा है, तो ये जो भिन्न हो जाएगा क्या हो जाएगा, छोटा होगा। इस चीज को आप, हम उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए एक और यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 17/21 और यहाँ पर लिखा हुआ 4/7। आपको इसमें पता करना कि सबसे छोटा क्या है, तो आप डायरेक्ट गुना करिए ऊपर, कैंचा कैंची गुना करिए, तो कैंचा कैंची गुना करिए तो 17/19 से 119 आ जाएगा, और इधर करिए तो कैंचा कितना आ जाएगा, 84। आप देखिए तो 84 छोटा, यानी ये फ्रैक्शन जो है, ये भिन्न जो है वो छोटा हो गया, और ये भिन्न जो होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो आप इसी तरह से सवाल को भी आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए चेक करते हैं, किसी भी दो को उठाकर आप चेक करते चलिए आगे और आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए हमें सबसे छोटा भिन्न चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, कैसा भिन्न चाहिए, सबसे छोटा भिन्न चाहिए। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखिए तो 11 दुनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये 9/6 कितना, हालांकि लिखने को जरूरत नहीं, आप मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए चीजों को आपको लिख के कर रहे हैं। तो 11 दुनी 22 हो जाएगा और 9/6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आप बताइए छोटा भिन्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये 22 आया है और ये 54 है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा भिन्न होगा, और आपसे छोटा भिन्न पूछ रहा है तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो इसको आप क्या कर दिए, कैंसिल कर दीजिए। आप डायरेक्ट फिर 2/9 नहीं मार दीजिए, क्योंकि और भी तो भिन्न है, इसको भी तो हमको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये समय से कोई छोटा आ जाए, लेकिन ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमसे सबसे छोटा भिन्न पूछा, और ये भिन्न जो है इससे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, जो बड़ा आएगा उसको क्या कर दिया, हटा दीजिएगा। अब कंपेयर करेंगे हम किससे, तो इससे, इसको इससे करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 27। यानी अभी भी ये छोटा भिन्न है इससे, तो इससे ये छोटा, तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब हम तीसरा के साथ इसको चेक करेंगे, किसी भी एक को उठा के किसी के साथ आप चेक करते जाइएगा, छोटा भिन्न पूछेगा तो बड़ा भिन्न आएगा, जो उसको क्या हो जाएगा, काटते जाइएगा। अगर इसके साथ कंपेयर करेगा तो फिर 13 दुनी कितना हो जाएगा, 26, और ये हो जाएगा 9/6 कितना, 36। तो आप देख रहे हैं 36 बड़ा भिन्न आएगा, ये छोटा है, तो अभी भी ये सवाल आपको क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा भिन्न है ये खत्म हो जाएगा। अब लास्ट बच गया, इसको इसके साथ चेक कर देंगे। बोलिए 9 दुनी कितना हो जाएगा, 18, और ये 9/7 कितना, 63। ये 63 है और ये कितना है, 18। तो ये 63 बड़ा भिन्न होगा, यानी सबसे छोटा भिन्न होगा इस सवाल का उत्तर, जो 9/2 कितना होगा, 9 होगा। तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। आइए इस सवाल को आप मुझे माने बनाइए। बोलिए ये दोनों में कंपेयर करें, 13/52, और ये हमसे पूछा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न आया तो छोटा वाला को काटते जाएंगे, तो बोलिए 13/52, ये 52 आ गया, 11/77, ये छोटा, ये खत्म हो गया, अभी इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। बोलिए 11 से 11 में गुना करें, 11/11 121, और 13/7 91, हमें बड़ा भिन्न पूछा, ये छोटा, ये भी खत्म हो गया, अभी इसके साथ कंपेयर कर देंगे। 11/8 कितना हो जाएगा, 88, और 13/5 कितना हो जाएगा, 65, ये 65/88 छोटा, ये छोटा भिन्न हो गया, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 11/13। तो इस तरह से सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तीन तरीका आपको बताएंगे, अगर डिफरेंस समान होगा तो सवाल को कैसे बना सकते हैं, अगर डिफरेंस समान नहीं होगा तो डिफरेंस सेव करके बना सकते हैं, अगर डिफरेंस सेम नहीं हो तो डायरेक्ट कैंचा कैंची गुना करके भी सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए एक सवाल हम लेते हैं जो SSC CGL 2017 के मेंस में सवाल पूछा गया, आइए वो सवाल के लेते हैं। चलिए इसको नोट करेगा, इरेज करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने सवाल कुछ इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे ये सवाल को क्वेश्चन नंबर 10 को CGL मेंस में पूछा गया था 2017 में, आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर में बुक को उठाकर ये सवाल आपको मिल जाएगा देखने को। इससे पहले आप समझिए रोही अवरोही का ज्ञान समझिए, क्या होता है रोही अवरोही। तो आपसे कभी कभी सवाल में पूछा कि आरोही क्रम में सजाएं, आरोही, या कभी कभी आपसे सवाल पूछ देगा कि अवरोही में सजाएं। तो आरोही अवरोही होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। तो बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कभी आरोही अवरोही बोल देता है तो बढ़ते और घटते में कन्फ्यूज होता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको हर चीज़ आपके अपने भाषा में मिलेगा, बहुत ही आसान तरीक़े से मिलेगा।
जैसे आरोही में आप देखिएगा तो आरोही में तीन अक्षर है, और अवरोही में आप देखिए तो अवरोही में कितना अक्षर है, चार अक्षर है। तो बस इतना ही सा आपको दिमाग लगाना है कि अगर आरोही बोलेगा तो आरोही में कम अक्षर है तो सबसे पहले कम वाला लिखेंगे, और अवरोही बोलेगा तो अवरोही में ज्यादा अक्षर है तो सबसे पहले ज्यादा वाला लिखेंगे। ये आपको क्या हो गया, सीधा सीधी कोड हो गया कि आरोही बोलेगा तो अवरोही में कम अक्षर है तो सबसे पहले कम, और अवरोही बोलेगा तो अवरोही में ज्यादा अक्षर है तो सबसे पहले ज्यादा, और बढ़ते क्रम और घटते क्रम बोले तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को, पहले 11 नंबर बनाते हैं फिर आपको 10 बताते हैं। इस सवाल को बोला कि आरोही क्रम में सजाए, आरोही मतलब होता है बढ़ते, यानी सबसे पहले आपको छोटा वैल्यू लिखना है, आइए पता करिए छोटा। हालांकि इसको देखिए तो यहाँ पर हर जगह डिफरेंस समान है, 16 3 19 2803 कितना होता है 31 4103, यहाँ पर 44 देना चाहिए, 4103 कितना हो जाएगा 44 और 4903 कितना हो जाएगा 52। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाइएगा, आरोही क्रम में सजाना है, आप देख पा रहे होंगे तो हर जगह डिफरेंस क्या है, समान है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। तो आपको तो पहला ही सवाल में बताए थे थ्योरी कि अगर डिफरेंस हर जगह समान रहेगा तो जो वैल्यू छोटा रहेगा वही छोटा होगा, जो वैल्यू बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो आरोही में सजाने के लिए सबसे पहले हम कौन वैल्यू लेंगे, सबसे छोटा पहले लेंगे, तो बताइए ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 16, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 16/19। इसके बाद छोटा कौन है तो 28/31, इसके बाद छोटा कौन है तो 41/44, और इसके बाद छोटा कौन है तो 49/52। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। यहाँ पे साइन कैसे देंगे बाबू, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 5 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो इसमें हम लोग को साइन देना है, तो कैसे देंगे, तो 5 बड़ा है 3 से, तो इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि जो रहेगा बड़ा उधर का रहेगा खुला, जिधर बड़ा उधर का खुला, और जिधर छोटा उधर का नोकीला। नोकीला कहने का मतलब अगर ये नोकीला है और एक बैलून में इसको सटाएंगे तो बैलून क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो जिधर नोकीला है उधर क्या हो जाएगा, छोटा। आप बताइए 16/19 28/31 से छोटा, यानी ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो इस प्रकार से नोकीला देंगे, ये इससे छोटा है तो ये साइन देंगे, ये इससे छोटा है तो ये साइन देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज में सजा चुके हैं हम लोग, आरोही क्रम में सजा दिए, बस इतना सा काम करना था। आइए सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा, अगर डिफरेंस से बनाइए तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है, और अगर आप डिफरेंस सेम करना भी चाहिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको हर तरह का कंसेप्ट आना चाहिए, डाटा के अनुसार अप्रोच लगाते हैं, ऐसा नहीं कि एगो तरीका सीख लिया और उसी तरीका को बना रहे हैं, नहीं, सवाल आपको चेंज कर देगा। अगर मेरे जैसा खुरफाती एग्जामिनर रहेगा तो सवाल को चेंज कर कर देगा और आप छोड़कर चले आइएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करिए, कैचा कैची लग जाएगा, बोला गया कि ये जो वैल्यू है इससे क्या होना चाहिए, बड़ा। तो देखते हैं, हालांकि पूछा है कि ये जो कथन ये सत्य है कि असत्य है, यानी ये लिखा हुआ जो सही है कि गलत है ये चेक करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 308 * 900 कितना हो जाएगा 24, और 110 * 9 कितना हो जाएगा 990। तो आप बताइए 924 बड़ा है कि 990 बड़ा है, तो 990 बड़ा, यानी ये जो है इससे बड़ा, और यहाँ भी साइन में भी लिखा हो कि ये वैल्यू है जो इससे बड़ा है, मतलब अभी तक सही है। अब इसको इससे चेक कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इससे आप गुना करिए, गुना करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 225 में 9 से गुना करेंगे, 9 * 18 = 25 * 225, यानी कि 2000 कितना हो जाएगा 25 ही आ जाएगा, और इसमें गुना करें तो 7 * 21 = 56 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 156 है जो 225 से बड़ा, मतलब ये जो वैल्यू होगा इससे क्या, ये जो फ्रैक्शन होगा इस फ्रैक्शन से बड़ा होगा, और यहाँ भी साइन भी बड़ा का लगा हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो कथन है पूरा पूरा बिल्कुल परम क्या है, सत्य, यानी ये जो कथन लिखा हुआ है बिल्कुल क्या है, परम सत्य है। तो आज तक इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ बनाते, बहुत मेहनत लगता है, वीडियो बनाइए फिर इसको अपलोड करिए, करेक्शन करिए, बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं आप लोगों की मेहनत करता हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।